प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज से हम भारतीय राजव्यवस्था अर्थात भारतीय संविधान के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि वास्तविक रूप में जब मैंने सभी विद्यार्थियों का जो कमेंट आया तो उस कमेंट्स के माध्यम से ये पता लगा कि ज़्यादातर विद्यार्थियों की मांग है क्या कि सर आप पहले हमें भारतीय संविधान को समझाइएगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, उनका तर्क था कि सर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम निकट आ रही है तो आप पहले हमें भारतीय संविधान को समझाइएगा। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आज से भारतीय संविधान को समझाना शुरू करता हूँ। और फिर ये बात आपको मालूम ही है कि मैं चाहे कोई पेपर क्यों ना हो भाई, उस पेपर को मैं जीरो से शुरू करता हूँ, शून्य से, जीरो से शुरू कर तक और लास्ट तक उसमें जितनी भी बातें मैं सारी बातें समझाता हूँ। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज से हमारा जो पेपर है कौन सा पेपर होगा, भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय राजव्यवस्था या भारतीय संविधान, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैं जो प्रत्येक बात है, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हो या स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों की बात ही क्यों ना हो, मैं भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय राजव्यवस्था या भारतीय संविधान के संदर्भ में संपूर्ण बातें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं भारतीय संविधान को समझाना शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ में आपका परम दायित्व है कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है वो अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल के बारे में बतलाएँ, उनके पास हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। यस, श्री गणेश करते हैं आज से हम किसका, भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यस, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण है। विद्वानों ने भारतीय राजनीति को समझने के लिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए अनेकों दृष्टिकोण दिए हैं। उदाहरण के रूप में जैसे भारतीय राजनीति को समझने का, भारतीय संविधान को समझने का कानूनी दृष्टिकोण दिया गया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिया गया है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया गया है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दिया गया है, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण दिया गया है, गांधीवादी दृष्टिकोण दिया गया है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिया गया है। इस प्रकार से अनेकों दृष्टिकोण है जिसमें मैं 9 दृष्टिकोणों की चर्चा करूंगा और इन 9 दृष्टिकोणों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको क्या कहा है, मैं जीरो से प्रारंभ करता हूं, मतलब जब मैं भारतीय शासन एवं राजनीति को समझाना शुरू कर रहा हूं तो इसमें एक भी बात छोड़ूंगा नहीं, मैं इस रूप में समझाऊंगा कि भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आपकी उंगलियों में हो जाएगा, आपको मैं इस रूप में भारत का संविधान या भारत की राजनीतिक व्यवस्था समझाऊंगा। इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, भारतीय राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, अर्थात भारतीय राजनीति के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण अर्थात भारत की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण है, जैसा कि मैंने आपको 4-5 का नाम भी बतलाया है। अब आज किसके ऊपर बल देंगे, आज केवल हम ये समझेंगे कि आखिर दृष्टिकोण क्या है, मतलब दृष्टिकोण का अर्थ देखेंगे सबसे पहले, आज केवल दृष्टिकोण का अर्थ। मैंने देखा है कि जब मैं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ भारतीय शासन में राजनीति या भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यस, तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटो आप मुझे ये बताओ कि दृष्टिकोण क्या होता है, तो कहते सर अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। देखिएगा भाई, जब तक आप दृष्टिकोण का अर्थ नहीं समझेंगे क्या आप भारतीय शासन में राजनीति को समझ पाएंगे, हरगिज नहीं। क्यों, क्योंकि दृष्टिकोण का अर्थ समझे बिना आप भारतीय राजनीति को या किसी भी देश की राजनीति को नहीं समझ सकते, क्योंकि
चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति का राजनीति को देखने का अपना नजरिया होता है, राजनीति का विश्लेषण करने का अपना नजरिया होता है। तो राजनीति को देखने का जो नजरिया होता है, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति को समझने के लिए वास्तव में किसी समस्या विशेष, किसी घटना विशेष के लिए जो आधार सामग्री ली जाती है, जो तथ्य लिए जाते हैं, या राजनीति को जिस नजरिए से देखा जाता है वह ही दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा कोई राजनीति को, भारतीय राजनीति को, या अमेरिका की राजनीति को, या चीन की राजनीति को, या फ्रांस की राजनीति को कानूनी दृष्टि से समझना चाहता है कि भाई धाराओं के अंतर्गत अनुच्छेद में जो लिखा है उसके आधार पर राजनीति को समझेगा। कोई राजनीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझेगा। जैसे भारत की राजनीति की बात आए तो भारत की राजनीति में आप 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वास्तविक रूप में भारत का संविधान भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। कुछ कहते हैं कि राजनीति को वास्तविक रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण समझा जाए, अर्थात सिद्धांत में कुछ होता है, व्यवहार में कुछ होता है। जैसे भारत में सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण होगा। मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है कि भारत की राजनीति को देखने का नजरिया क्या है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना नजरिया अलग अलग होता है। जो राजनीति को देखने का, राजनीति को समझने का नजरिया होता है वह नजरिया ही दृष्टिकोण कहलाता है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा, दृष्टिकोण का अर्थ केवल। क्यों? क्योंकि हमें भारत की राजनीति को, भारत के संविधान को समझना है ना। तो भारत के संविधान को, भारत की राजनीति को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप दृष्टिकोण का अर्थ नहीं समझेंगे, और जब दृष्टिकोण का अर्थ समझ जाएंगे तो उसके बाद भारतीय राजनीति को समझने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण दिए गए वो सारे दृष्टिकोण आप समझ जाएंगे। इसके बाद में भारत के संविधान को, भारत की राजनीति को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। आप देखिएगा तो सही कि किस रूप में भारत के संविधान को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की शासनीय राजनीति को समझा जाता है। मैं आज इसका श्री गणेश कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद में क्रमबद्ध रूप में एक एक बात कर लूँगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कितने आसानी से समझेंगे आप, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विदाउट अप्रोच, बिना दृष्टिकोण का अर्थ और विभिन्न जो दृष्टिकोण, जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक भारत का शासन और राजनीति समझ में नहीं आ सकता, वो एक अलग बात है। आप प्रश्न उत्तर रट सकते हैं, बहुकल्पी प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में गंभीरता से आप भारतीय शासन और राजनीति को नहीं समझ सकते। तो आज किसकी चर्चा कर रहे हैं, दृष्टिकोण होता ही क्या है, व्हाट डू यू मीन्स बाई अप्रोच। देखिएगा इधर आइए, अब ये मैंने आपके लिए डायग्राम तैयार किया है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात तो मुख्य ये है क्या कि दृष्टिकोण को उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टि बिंदु और पद्धति भी कहा जाता है। वैसे जब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इन सभी में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, लेकिन यहाँ अर्थात भारतीय शासन में राजनीति को समझने के लिए दृष्टिकोण, उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टि बिंदु और पद्धति का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया गया है। अब अगली बात ये देखनी है कि दृष्टिकोण या उपागम होता ही क्या है, अर्थात वास्तविक रूप में दृष्टिकोण है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो सीधी सी बात है, वास्तविक रूप में भाई जब किसी भी समस्या विशेष का, घटना विशेष का अध्ययन किया जाना हो तो उसके लिए जो आधार सामग्री चुनी जाती है वह ही एक प्रकार से दृष्टिकोण कहलाता है। कैसे? जैसे समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में, समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है, अर्थात दृष्टिकोण में, नोट करें आप, दृष्टिकोण में समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। उदाहरण के रूप में भारत की राजनीति को समझना है तो भारत की राजनीति को समझने के लिए आपने सबसे पहले तो यह है कि किस समस्या को चुना, किस प्रश्न को लिया। अब समस्या और प्रश्न ले लिया तो उसके बाद में कसौटी और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री है। मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है कि भारत की राजनीति को समझने के लिए किस समस्या को उठा रहे हैं, और समस्या उठाने के बाद में फिर आप कौन सी आधार सामग्री ले रहे हैं।
तो समस्या को समझने के लिए जो आधार सामग्री ली जा रही है वह आधार सामग्री ही एक प्रकार से दृष्टिकोण है, मतलब राजनीति को समझने का एक तरीका है, राजनीति को जो है समझने का एक नजरिया है, और जो राजनीति को समझने का नजरिया है वही दृष्टिकोण है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ हम ये कहें कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए, और यहाँ ये समझा जा रहा है कि भाई यहाँ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है संविधान के द्वारा, क्लियर कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होगी। अब यहाँ पर जब भारतीय राजनीति को समझा जाएगा और मान लीजिएगा कानूनी दृष्टिकोण से समझा जा रहा है, तो इसके अंतर्गत मुख्य समस्या ये है कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। तो कानूनी रूप में ये देखा जाएगा कि वास्तव में राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, लेकिन जब हमने उस समस्या का अध्ययन किया और आधार सामग्री ली तो इसके अंतर्गत व्यवहार में जब हम पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, मतलब मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मूल बात ये है कि भाई भारतीय राजनीति को समझने के लिए आप कौन से दृष्टिकोण का, किस नजरिए का प्रयोग करते हैं। आप भारतीय राजनीति को कानूनी दृष्टि समझना चाहते हैं या ऐतिहासिक दृष्टि समझना चाहते हैं या फिर व्यवहारवादी दृष्टि समझना चाहते हैं, गांधीवादी दृष्टि समझना चाहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टि समझना चाहते हैं, आप किस नजरिए से भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं, जिस नजरिए से भारतीय राजनीति को आप समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा सामाजिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण भी हो सकता है, अनेकों दृष्टिकोण है। मूल बात यह है कि आप भारत की राजनीति को समझना चाह रहे हैं तो भारत की राजनीति को समझना एक समस्या होगी। अब भारत की राजनीति को समझने के लिए, चूंकि समस्या भारत की राजनीति को समझने की होगी, अब भारत की राजनीति को समझने के लिए आधार सामग्री क्या ली है, आपने कानूनी आधार सामग्री ली है या ऐतिहासिक आधार सामग्री ली है या गांधीवादी आधार सामग्री ली है या मार्क्सवादी आधार सामग्री ली है या व्यवहारवादी आधार सामग्री ली है या व्यवस्थावादी आधार सामग्री ली है या फिर संरचनात्मक या प्रकार्यवादी आधार सामग्री लिए, दुनिया भर के जो है इसमें दृष्टिकोण है। तो आप भारतीय राजनीति को किस आधार पर समझना चाहते हैं, समस्या को समझने के लिए, मतलब राजनीति को समझने के लिए जो आधार सामग्री ली जाती है, राजनीति को जिस नजरिए से देखा जाता है वह नजरिया ही दृष्टिकोण कहलाता है। और इसके बाद में जो ये यहां दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण तय हो गया, मतलब आप भारत की राजनीति को किस नजरिए से देखना चाह रहे हैं, आप भारत की राजनीति को किस नजरिए से समझना चाहते हैं, कानूनी नजरिए से या ऐतिहासिक नजरिए समझना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट होगी। तो इसके बाद में दृष्टिकोण का जो अगला चरण होता है, मैंने लिख दिया है, दृष्टिकोण का अगला चरण होता है सिद्धांत। और जब सिद्धांत तय हो जाता है, सिद्धांत का निर्माण हो जाता है, तो इसके बाद में सिद्धांत के आधार पर राजनीति के बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सामान्य स्वभावार्थ हो गया कि दृष्टिकोण क्या है। यदि यहां तक भी समझ नहीं आया तो आगे मैंने बहुत सामान्य स्वरूप में सारी बातें नोट कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दृष्टिकोण का अर्थ ये तो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, ठीक है भाई, और मैंने एग्जाम्पल दिया। बाकी फिर भी नहीं समझ रहे तो आगे मैं बहुत ही इजीली रूप में उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक सारी बातें समझनी है, उसके बाद में आप देखिएगा तो सही कि भारत का शासन और राजनीति या भारत का संविधान या भारत की राजव्यवस्था आप कितने अच्छे रूप में समझ पाते हैं। मैं ये विश्वास से कह रहा हूँ, आपको किसी का ऐप खरीदने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं इस रूप में भारत का संविधान समझाऊंगा। चलिए, दृष्टिकोण का अर्थ, दृष्टिकोण अप्रोच, देखिएगा मानकों का एक समूह है, अर्थात दृष्टिकोण क्या है, ये एक मानकों का एक समूह है कि राजनीति को आप समझना चाह रहे हैं, भारतीय राजनीति को आप समझना चाह रहे हैं, तो आपका नजरिया क्या है, आप किन मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, किन मूल्यों से उसको समझना चाहते हैं, क्या आधार सामग्री ले रहे हैं आप। तो ये दृष्टिकोण एक प्रकार से मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। यस, मानकों का एक समूह है दृष्टिकोण जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा भारत की राजनीति को समझने का पहला जो दृष्टिकोण है वह कानूनी दृष्टिकोण है, तो यहाँ पर भारत की राजनीति को धाराओं के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात वास्तव में राजनीति को समझने का जो नजरिया होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग नजरिया होता है, तो राजनीति को समझने का जो नजरिया होता है वह नजरिया ही दृष्टिकोण कहलाता है। अब जैसे मैंने लिखा ना, मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है, मतलब समस्या होगी राजनीति को समझना। अब राजनीति को समझने के लिए आप वास्तविक रूप में आधार सामग्री में क्या लेना चाह रहे हैं, क्या छोड़ना चाह रहे हैं। अब कानूनी
उपागम या दृष्टिकोण समझना चाह रहे हैं तो केवल आप अनुच्छेद धारा के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करेंगे, और यदि आप मान लीजिएगा ऐतिहासिक दृष्टि से समझना चाहते हैं भारत की राजनीति को तो इतिहास का विश्लेषण करेंगे, और यदि आप मान लीजिएगा व्यवहारिक आधार पर समझना चाह रहे हैं तो इसके आधार पर व्यवहारवादी नजरिया अपनाना होगा, जिसको कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है, गांधीवादी दृष्टिकोण भी है, मतलब इसके अंतर्गत लगभग लगभग 9 दृष्टिकोण है, और ये 9 के 9 दृष्टिकोण के ऊपर मैं 9 लेक्चर अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें समझने के बाद में आप चुटकियों में भारत का संविधान को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक होगा ये दृष्टिकोण का ही सामान्य अर्थ होगा। उसके बाद में अगली बात है, किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा भाई। चाहे राजनीतिक घटना हो, सामाजिक घटना हो, आर्थिक घटना हो, कोई भी घटना हो, चूंकि अब हम भारत की राजनीति को समझना चाह रहे थे, यहाँ घटना राजनीति होगी, तो किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे भारतीय राजनीति है तो राजनीति को समझना, राजनीति अपने आप में एक घटना होगी, एक समस्या होगी। अब राजनीति को समझने के अनेक दृष्टिकोण है, जैसे मैंने आपको गिनाया है, कानूनी दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, गांधीवादी दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, जैसा कि आमंडियम पावेल ने दिया है, व्यवस्थावादी उपागम है जैसा कि डेविड स्टर्न ने दिया है। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, चाहे वह राजनीतिक घटना हो, सामाजिक घटना हो, आर्थिक घटना हो, कोई भी घटना क्यों ना हो। तो कहने का मूल भावार्थ हो गया कि किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसा कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए हम 9 दृष्टिकोणों का उल्लेख करेंगे और 9 के 9 लेक्चर अपलोड करूंगा मैं। अगली बात, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिकोण से काम लेता है। अब चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, देखो राजनीति को देखने का मेरा अपना नजरिया है, अलग है, मैं मार्क्सवादी दृष्टि से देख रहा हूं, या जो है गांधीवादी दृष्टि से राजनीतिक समझ रहा हूँ, या कानूनी दृष्टि से राजनीतिक समझ रहा हूँ, या ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक समझ रहा हूँ। तो निश्चित रूप में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिकोण से काम लेता है, मतलब भारत की राजनीति को देखने का जो नजरिया है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। इसे ही ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। अब अगली बात क्या है, यह अर्थात दृष्टिकोण मनुष्य के मन, बुद्धि और आँख की तरह है, ध्यान देंगे, मतलब जो ये दृष्टिकोण होता है वह मनुष्य के मन, बुद्धि और आँख की तरह है। कैसे, जैसे एक विद्यार्थी के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, तो विद्यार्थी किसी वस्तु को जो देख रहा है उस वस्तु को देखने का नजरिया विद्यार्थी का अलग होगा, जबकि उसी वस्तु को देखने का जो नजरिया है एक दुकानदार का और राजनेता का अलग होगा। तो दृष्टिकोण अलग अलग हो गए, ऐसे भी नहीं समझे तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा मैं महाविद्यालय के अंतर्गत MA के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और वहां पर ये छूट दे दी गई है कि कुछ सामान्य पाठक भी यदि राजनीति को समझना चाहते हैं तो MA की कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हो सकते हैं। अब वहाँ सामान्य पाठक भी बैठे हैं और विद्यार्थी बैठे राजनीति विज्ञान के, और मैं राजनीति विज्ञान का यही टॉपिक समझा रहा हूँ कि दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो अब इस दृष्टिकोण को जब मैं समझा रहा हूँ तो विद्यार्थी का नजरिया अलग होगा, ये अपनी परीक्षा को पास करने की दृष्टि से उसका अध्ययन करेगा, समझेगा, जबकि वहाँ मान लीजिएगा सामान्य पाठक है, जैसे राजनेता बैठे हुए हैं या कोई दुकानदार बैठा हुआ है, तो ये अपने अपने दृष्टिकोण से इसको समझेंगे। किसको, दृष्टिकोण का अर्थ मतलब दुकानदार का देखने का नजरिया अलग होगा, राजनेते का देखने का नजरिया अलग होगा, मुझे जो मैं समझा रहा हूँ। तो वास्तविक रूप में एक विद्यार्थी जो वस्तु देखता है उस वस्तु का नजरिया अलग होगा, और एक दुकानदार और राजनेता उस वस्तु को दूसरे नजरिए से देखेंगे। यहाँ पर वस्तु को देखने का जो नजरिया होता है, देखने का जो तरीका होता है, वह ही दृष्टिकोण कहलाता है। इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के अनेकों दृष्टिकोण है, जिसमें मैंने यहाँ नोट किया है 9 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इन 9 दृष्टिकोणों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, और ये दृष्टिकोण समझ गए तो फिर भारत के संविधान को आगे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यस, आगे बढ़ते हैं। कोई भारतीय राजनीति को कानूनी, ऐतिहासिक, राजनीतिक विकास आदि के परिप्रेक्ष्य से देखता है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक रूप से चूंकि यहां यह बात क्लियर हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिकोण से काम लेता है, तो भारत की जो राजनीति है इसके अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण है। अब इसके अध्ययन के भी जब विभिन्न दृष्टिकोण है, राजनीति को समझने के भारत में अनेकों नजरिए हैं, अनेक दृष्टिकोण है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति को देखने का अपना अलग तरीका होता है। तो राजनीति को देखने का जो तरीका है, राजनीति को देखने का जो नजरिया है, वो दृष्टिकोण है। तो वास्तव में
कोई भी भारतीय राजनीति को, मतलब कोई भी व्यक्ति भारतीय राजनीति को या तो कानूनी नज़रिए से देखता है या ऐतिहासिक नज़रिए से देखता है या राजनीतिक विकास के नज़रिए से देखता है या फिर जो है मार्क्सवादी, गांधीवादी, व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी आदि के परिप्रेक्ष्य से देखता है। आदि का मतलब यहाँ ये नौ दृष्टिकोण है। मैंने आपको बार बार कहा है कि इन सब के ऊपर मैं अलग से एक एक लेक्चर अपलोड करूँगा। तो मूल बात यह है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण है और भारतीय राजनीति को, भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय राज व्यवस्था को यदि आपको ठीक से समझना है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक से समझना है, तो जब तक आप भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण है, लगभग नौ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जब तक इन नौ दृष्टिकोणों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप भारत की शासनिक राजनीति को या भारतीय राज व्यवस्था को या भारतीय संविधान को नहीं समझ सकते। वो एक अलग बात है कि आप बिंदु रूप में उनको रट रहे होंगे, लेकिन इस रूप में यदि हम क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भारतीय शासनिक राजनीति को आप इस रूप में समझेंगे कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक विद्वान की डेफिनेशन ली है कि दृष्टिकोण क्या है। इजाक के शब्दों में दृष्टिकोण राजनीतिक गवेषणा में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामान्य राजनीति या व्यूह रचना है। सामान्य रणनीति कहेंगे इसको, सामान्य रणनीति, राजनीति नहीं, रणनीति। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। देखो अब मूल बात इसमें वास्तव में सारी बात आ गई। इजा क्या करें कि दृष्टिकोण मतलब एक प्रकार से राजनीति को देखने का नजरिया है कि आप राजनीति को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो दृष्टिकोण राजनीति गवेषणा में मतलब राजनीति को समझने में या राजनीति के अनुसंधान में या राजनीति का विश्लेषण करने में, दृष्टिकोण राजनीति गवेषणा में या राजनीतिक अनुसंधान में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामान्य रणनीति या व्यूह रचना है। क्या है ये? एक वास्तव में दृष्टिकोण एक रणनीति है, किसको समझने के लिए? राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए। अब राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए यह एक प्रकार से एक रणनीति है, एक व्यूह रचना है। जैसे कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, तो ये एक प्रकार की रणनीति है कि भारत की राजनीति को आप किस नजरिए से समझना चाहते हैं। इसलिए इजाक कह रहे हैं कि दृष्टिकोण राजनीतिक गवेषणा मतलब राजनीतिक अनुसंधान या राजनीतिक विश्लेषण, दृष्टिकोण राजनीतिक गवेषणा में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामान्य रणनीति या व्यूह रचना है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक रणनीति है। क्यों है रणनीति? क्योंकि इसमें वास्तविक रूप में आधार सामग्री को, तथ्यों को लिया जाता है या आधार सामग्री को लेने और छोड़ने का फैसला किया जाता है कि किस आधार सामग्री के आधार पर राजनीति को समझा जाएगा। यस, ये इसकी परिभाषा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे की जो बात है वो इतनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, चूंकि हम वास्तविक रूप में भारतीय शासन एवं राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या कहा मैंने? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जिस दिन भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी, सबसे बड़ी पराजय होगी, सबसे बड़ी हार होगी। जिस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा भारत में और पुनः निरंकुशता स्थापित होगा यदि भारत में, तो इसलिए वास्तविक रूप में यह परिवर्तन, यह घटना केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात ये आश्चर्यजनक बात है कि आज भी भारत में, जब भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में हमारा संविधान लागू हुआ 1947 जब हम स्वतंत्र हुए थे, तो वास्तविक रूप में संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ लोकतंत्र बरकरार है। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है, बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि पुनः भारत में कभी निरंकुशता आई तो यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने नोट भी किया, मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान भी सबसे बड़ा संविधान है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये तो होगा यहाँ तक दृष्टिकोण की बात कि वाकई दृष्टिकोण होता क्या है। तो मैं अब सामान्य से अर्थ में फिर से बता रहा हूँ। देखिएगा भाई, वास्तव में किसी भी समस्या विशेष को, किसी भी घटना विशेष को समझने के लिए जो आधार सामग्री ली जाती है, जो आधार सामग्री लेने या छोड़ने का फैसला किया जाता है, या राजनीतिक घटना को समझने के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है, राजनीतिक घटना को समझने के लिए जो आधार सामग्री तय की जाती है, या राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए वास्तविक रूप में
किस आधार सामग्री को लेना है, किस आधार सामग्री को छोड़ना है, क्या रणनीति तय करनी है, क्या व्यूह रचना तैयार करनी है, ये सब दृष्टिकोण कहलाता है। मतलब मूल बात यह कि राजनीति को समझने का नज़रिया क्या है, अर्थात किसी भी राजनीतिक घटना को समझने के लिए कौन सी आधार सामग्री ली जा रही है और कौन सी आधार सामग्री छोड़ी जा रही है। मतलब राजनीति को समझने के लिए मुख्य बात यहाँ ये है कि किस आधार सामग्री के आधार पर राजनीति को समझा जा रहा है। कानूनी आधार पर समझा जा रहा है, या ऐतिहासिक आधार पर समझा जा रहा है, या मार्क्सवादी आधार पर समझा जा रहा है, या गांधीवादी आधार पर समझा जा रहा है, दुनिया भर के दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत, इसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है दो विद्वानों की, एक है रोस्टो, रोस्टो कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आश्चर्यजनक घटना भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है। ये आपको नोट करना है, कमीशन पूछ लिया जाता है। रोस्टो कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की यदि पूरी दुनिया में कोई आश्चर्यजनक घटना है तो वह है भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है, सबसे आश्चर्यजनक घटना है। आप देखेंगे जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनके अंतर्गत धीरे 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 लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है, तानाशाही आती जा रही, कभी तानाशाही कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाही कभी लोकतंत्र, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आप देख सकते हैं। जबकि वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आश्चर्यजनक घटना ये है कि भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है। किसने कही बात? रोस्टोव ने, नोट करेंगे। उसके बाद में विद्वान है थॉम्पसन, थॉम्पसन ये कह रहे हैं कि भारत स्वयं की दृष्टि से ही नहीं विश्व में लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। देखिएगा भाई कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भारत स्वयं की दृष्टि से ही नहीं विश्व में लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि यदि भारत में पुनः निरंकुश शासन प्रणाली आती है तो अपनाई जाती है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी। किसने की यह बात? थॉम्पसन ने। इसलिए भाई भारत में लोकतंत्र का बरकरार रहना अति आवश्यक है, अन्यथा मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात देखो, ये मैं आपको पृष्ठभूमि के रूप में इसलिए समझा रहा हूँ कि सारी बात यदि आप समझ जाएंगे तो इसके बाद में नौ के नौ दृष्टिकोण में समझाऊंगा, और उसके बाद में हम शुरुआत किससे करेंगे? वास्तविक रूप में भारतीय राजनीति के जो आदर्श हैं, भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, उनको समझाएंगे, जिनके अंतर्गत प्रस्तावना, नीति, निर्देशक तत्व इत्यादि आ जाएंगे। ध्यान दें, देखो भारत में राजनीति राष्ट्र निर्माण और देश की एकता को बनाए रखने की राजनीति है। नोट करें ये बात, क्या कि भारत की जो राजनीति है वास्तव में राष्ट्र निर्माण और देश की एकता को बनाए रखने की राजनीति है। एक बात तो ये, दूसरी ये है कि भारत निरंतरता और परिवर्तन के बीच समन्वय बैठाने का अभ्यस्त है। मतलब वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जो भारतीय राजनीति है और भारतीय राजनीति में जो भारतीय राजनेता हैं वो निरंतरता और परिवर्तन के बीच समन्वय मतलब तालमेल बैठाने के अभ्यस्त हैं। मतलब ठीक तरीके से ये निरंतरता और परिवर्तन के बीच समन्वय बैठाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब लास्ट में मैंने यहाँ जो बात लिखी है वो और भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक स्थिरता की कुंजी सामाजिक व्यवस्था रही है। मतलब भारत के अंतर्गत यदि राजनीतिक स्थिरता की कुंजी है, चाबी है, तो वो सामाजिक व्यवस्था रही है, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था प्राचीन समय से आप देख सकते हैं सामाजिक व्यवस्था रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्तमान समय में सामाजिक संस्थाएँ टूटती जा रही हैं, मतलब समाज का विघटन होता जा रहा है। अब जब सामाजिक संस्थाओं का विघटन होता जा रहा है, समाज का विचरण होता जा रहा है, सामाजिक विघटन होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि नई संस्थाएं स्थापित नहीं की जा सकेंगी, मतलब नई सामाजिक संस्थाएं यदि स्थापित नहीं की गई, तो फिर ये तय मानिएगा क्या कि राजनीतिक विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था टूटने की स्थिति में आ सकती है। मतलब अब समय के हिसाब से मूल्यों में परिवर्तन किया जाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं वो धीरे धीरे टूट रही हैं और इसके साथ ही साथ अब नई संस्थाओं की स्थापना जरूरी है, क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से नित नए मूल्य अस्तित्व में आते हैं, नित नए मूल्य अस्तित्व में आते हैं तो उन मूल्यों की, उन विचारों की अभिव्यक्ति नई संस्थाओं में होनी चाहिए। यदि नई संस्थाओं में उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी तो निश्चित रूप में राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी? धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होगी। इसलिए मैंने लिखा है कि राजनीतिक विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था टूटने की स्थिति में आ सकती है। मतलब फिर राजनीति का विकास नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे
राजनीतिक व्यवस्था का पतन होगा, राजनीतिक व्यवस्था टूटती चली जाएगी। क्यों टूटती चली जाएगी? क्योंकि फिर इसके अंतर्गत मूल्यों में टकराव होगा। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य अलग होंगे, सामाजिक व्यवस्था के मूल्य अलग होंगे। जब राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य और सामाजिक व्यवस्था के मूल्य अर्थात सोशल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम के मूल्य अलग अलग होंगे तो उनमें गतिरोध होगा, गतिरोध होगा तो निश्चित रूप में राजनीतिक व्यवस्था का पतन होगा या राजनीतिक व्यवस्था टूटने की स्थिति में आ सकती है। इसलिए जब वास्तविक रूप में राजनीतिक स्थिरता की कुंजी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का आधार सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाओं का धीरे धीरे विघटन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में नई संस्थाओं की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जबकि राजनीतिक व्यवस्था का पतन होकर के रहेगा। तो ये राजनेताओं के सामने एक नई चुनौती है, इस चुनौती का सामना करना है। क्या कहा मैंने? इस चुनौती का सामना ठीक से करना है। लास्ट में जो मैंने बात बताई है, देखिएगा भाई, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यस, ये हो गया आज के लेक्चर में भारतीय राजनीति के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण है, विभिन्न दृष्टिकोणों को हम शुरू करें। उससे पहले केवल एक ही बात बताई आज कि दृष्टिकोण आखिर कहा ही किसे जाता है, दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, अप्रोच किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप दृष्टिकोण किसे कहा जाता है इसे ठीक से समझ गए होंगे। इसके बाद में कल जो हमारा लेक्चर होगा किससे होगा, जो भारतीय राजनीति को समझने के, भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उन विभिन्न दृष्टिकोणों को मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। उसके बाद में भारतीय संविधान की जो मूल बातें वो सब बातें मैं क्रमबद्ध रूप में आपको समझाऊंगा। परंतु प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय शासन एवं राजनीति को या भारतीय संविधान को या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप आज दृष्टिकोण का अभिप्राय ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।